पतंजलि योगपीठ हरिद्वार श्रद्धेय गुरुवर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में पूरे भारत को योगमय बनाने का क्रांतिकारी अभियान, भारत के एक एक व्यक्ति कोई बीमार न पड़े, कोई दवा न ले, कोई अस्पताल न जाए, और हम दिन भर जो कमाते हैं और वह परिश्रम का पसीने का कमाई कभी दवाओं में न जाए, कभी व्यर्थ ना हो, ऐसे हमारे पुरखों की विरासत योग प्राणायाम आसन के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सके, उस दिशा में यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के आरा प्रखंड स्थित रघु टोला लख नंबर 12 के पवित्र पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ कर रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको वैदिक मंत्रों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम एक आसन में बैठते हैं, बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के जांघ में सटाते हैं, फिर दाहिने पैर के उठा करके बाएं पैर के ऊपर रखते हैं, दोनों घुटना जमीन में सटता है या सटाने का प्रयास करते हैं। यदि आप खुद ये अंदर घुसाते हैं दाहिने पैर को तो ये हो जाता है सुखासन, इसी को ऊपर चढ़ा लेते हैं बाएं को फिर दाएं को तो ये हो जाता है पद्मासन। तो ये कठिन है करने में, लेकिन आपको जैसी अनुकूलता है उसमें आप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जब सामूहिक रूप से कोई अभियान करते हैं तो एक रूपता के लिए, अच्छा लगने के लिए, एक जैसा अभ्यास हो उसके लिए हम सभी एक आसन में बैठते हैं। तो सिद्ध आसन हम सबके लिए अच्छा अभ्यास है। बाएं पैर को नीचे दाहिना ऊपर कर लिया, इसमें कोई दिक्कत झंझट भी नहीं, आराम से बैठ गए। अब दोनों हाथ को हल्का ऊपर उठा करके अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं। अब ये आपका ध्यान मुद्रा हो गया। अब ये दोनों हथेली को नीचे ला करके घुटने पे रख लिया, हथेली आसमान की तरफ खुली हो। अब कमर से लेकर के माथा तक सीधा रखेंगे, एकदम 90 डिग्री की स्थिति में। अब धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे, आंख बंद कर लीजिए। 2 बार धीरे धीरे सांस को भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए आपका ध्यान सांसों के साथ सीख रहा है कि हे परमात्मा, आप हमारे लाखों जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित होकर के हमें मानव जीवन में मानव शरीर को हम सब ग्रहण किए हैं। तो आज मानवता को चरितार्थ करते हुए हम सभी भगवान कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, हम अपने आदर्श महापुरुषों को याद करते हुए उनके आदर्श चरित्र को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हुए 3 बार लंबा गहरा सांसों के साथ ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। तो आइए, यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनाभुनक्तु सहवीर्यमकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा शदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप सभी को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए 5 दिवसीय योग शिविर का हम सब ने सामूहिक रूप से मिलकर के आज हम सब ने शुभारंभ किया। तो आइए अब कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे।